रहीम ये भी गे बोर्ड चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का थ्री पार्ट हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. वो कहते हैं 4x + 5 = 2x - 5. ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे. अच्छा 4x + 5 = 2x - 5, इसके ऊपर अंडर रूट है. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले रहा है. तो ये और ये कैंसिल. हमारे पास क्या बचा, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेंगे तो a माइनस बी वाला फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर. तो वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है. ये क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 25 ये भी हो जाएगा, माइनस 2 5 10, और 10 2 20 to 20x, 2 into a आपके पास क्या है, 2a, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 5 20, x साथ में 20x आ जाएगा. इस वैल्यू को इक्वल टू क्यू साइड पे लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25. ये वैल्यू अब इक्वल टू क्यू साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 4x और माइनस 5 इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4x माइनस 24x और प्लस 5 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0. अगर हम इस इक्वेशन को 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20 को 4 पे डिवाइड करें, क्योंकि 4 पे डिवाइड हो सकता है, ये 4 1 4 4 6 24 और 4 5 20, डिवाइड बाय डिवाइड इक्वेशन, इसको नाम दे 2. ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट 2 by 4, तो ये हमारे पास होगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 20x डिवाइडेड बाय 4 सॉरी 24x प्लस 20 by 4 इज इक्वल टू 0. तो 4 4 कैंसल, x स्क्वायर आ जाएगा, 4 6 24 माइनस 6 6, 4 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अच्छा अब इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से करेंगे तो हम वही मेथड है कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर ले, तो 5x स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज, लास्ट वैल्यू को एज इट इज, दरमियान वाली वैल्यू हम क्या देख के लिखेंगे, हम इस वैल्यू को देखेंगे, अगर कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आ जाए, ऐड करें तो माइनस 6 आए. अगर मैं माइनस 6 और माइनस 5x को मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस 5x स्क्वायर, अगर ऐड करूँ तो माइनस 6x, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 6 6, इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ का मन है, एक्स का मन है, बाकी क्या बचा, एक्स और इनके अंदर माइनस 1, और इन दोनों के दरमियान माइनस 5 का मन है, बाकी क्या बचा, एक्स और माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक दफ़ा एक्स माइनस 1 दोनों के दरमियान का मन है वो बाहर लिख लूँ, बाकी क्या बचा, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अच्छा अब क्या कर लेता हूँ, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा पुट कर लेता हूँ, और एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा पुट कर लेता हूँ. तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू सेट पे जाएगा तो ये तो हो जाएगा 1, एक वैल्यू आपके पास क्या हो गई 1, और ये माइनस 5 इज इक्वल टू क्यू सेट पे जाएगा तो 5. अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, उस फर्स्ट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं चेक करने के लिए, चेक टू सेटिस्फाई. किस लिए कर रहे हैं, कि ताकि वो देख लगे कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है. इज इक्वल टू 2x माइनस 5 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, जब हम एक्स को क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो इसके अंदर पुट करेंगे 4 into 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 into 1 माइनस 5. तो ये हो जाएगा 4 + 5 इज इक्वल टू 2 - 5 क्या हो जाएगा, माइनस 3, और ये क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू माइनस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 और ये होगा माइनस 3 जो बराबर नहीं है. तो ये 1 है, x इज इक्वल टू 1, ये एज एक्सट्रीनियस रूट रूट है. दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 5. अब इसको ले लेते हैं, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 व्हेन x इज इक्वल टू 5. ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट करो, 4 into 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 into 5 माइनस 5, तो 4 5 20 प्लस 5 25 आ जाएगा,
टेन माइनस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू फाइव, 25 का। तो अब इसने प्रूव कर दिया, तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आया है, सोल्यूशन सेट कौन सी वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू फाइव, ये सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है हमारे पास।